हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर यूल बिग फोर अभी चालू हो गया है एंड वो लोग अब काफी सारे रोल्स जो है ओपन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पॉइंट समझाने वाला हूँ कि कैसे आप इन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो कौन सी एरिया में कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा सेकेंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है क्या पैरामीटर्स होते हैं जो बिग फोर अपने कैंडिडेट्स में देखती है जिनको वो एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है काफी सारे लोगों का काफी सारे स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स का एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक बिग फोर इंटरव्यूज क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है मेरा तो एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा था लेकिन मैं क्रैक क्यों नहीं कर पाया इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ कि क्या एक्जैक्टली exactly है जो बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन देखती है अपने पोटेंशियल एम्प्लॉय में तो के पी एमजी ईवाईड पीडब्ल्यू सी ऑलमोस्ट सभी अभी हायरिंग चालू होंगे मी माई सेल्फ आई गिवन इंटरव्यूज फॉर थ्री बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन ज्यूरिंग माई करियर उसमें से दो में मैंने काम किया है के पी एमजी एंड ईवाई काफी सारे इंटरव्यूज लिए भी हैं कैंडिडेट्स के एंड आई विल बी एबल टू शेयर एंड ऑल्सो गाइड यू की एक्जैक्टली वॉट इज इट डेट डे लुकिंग फॉर एंड कैसे आप वो स्किल्स डेवलप कर सकते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी फॉर सी ए फ्रेशर्स एक्सपीरियंस चार्टेड अकाउंटेंट सी ए आर्टिकल्स एंड उसके साथ साथ अगर आप एम बी ए या और कोई स्ट्रीम में पढ़ाई की है आपने लेकिन आपको बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहिए देन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी गाइडिंग फॉर विल बी ए गुड गाइडेंस फॉर यू तो इसको पूरा देखिएगा सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है ये अपॉर्चुनिटीज मिल कहाँ रही है देर आर डिफरेंट वेज एक तो अभी आपके कैंपस प्लेसमेंट्स होने वाले हैं फॉर सी ए स्टूडेंट्स कैंपस में काफी जगहों पर बिग फोर आएगी सेकेंड लिंकड इन पर मैं आजकल पोस्ट देख रहा हूँ जैसे आई फॉलो अलॉट ऑफ पार्टनर अलॉट ऑफ मैनेजर्स एंड बिग फोर ऑर्गेइजेशन उन लोगों का मैं पोस्ट देख रहा हूँ कि वी आर नाउ हायरिंग टैलेंटेड

कुछ ओपनिंग है, uh, है वो काफी अच्छा टाइम रहता है फॉर अ लॉट ऑफ बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन टू हायर पीपल दिस इज जनरली वेन दे डू इट अलॉट दो साइकिल्स में करते हैं जनरली एंड दिस पीरियड एक दो महीने का भी जुलाई टू सेप्टेंबर दे हायर अ लॉट ऑफ पीपल तो आप रीच आउट कर सकते हो किसी नॉन प्रेफरेंसेस को या लिंकड पर देख सकते हो या अगर आप सी ए या सी ए आर्टिकलशिप या सी ए क्लियर कर चुके हो तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स या आपके यू you नो know, इंस्टीट्यूट में अपने को मिल सकता है कि सीए आर्टिकल्स के लिए यहाँ ओपनिंग है सी फाइनल्स के लिए कैंपस प्लेसमेंट में भी आएंगे या फिर इन सर्टन केसेज इफ यू लिव नियर अ बिग फोर यू कैन ऑलवेज वॉक इन ड्रॉप योर रेज्यूमे एंड एंड देन दे विल रीच आउट टू यू तो काफी सारे वेज मेथड्स के जिससे कि आप रीच आउट कर सकते हो बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में उनके पोर्टल पर भी जैसे ईवाई या ईवाई उनका जो भी वेबसाइट रहेगा ईवाई इंडिया आप गूगल कीजिए या केपीएम जी इंडिया गूगल कीजिए उनके वेबसाइट पर भी जॉब पोस्टिंग्स रहती है वहां पर भी आप अप्लाई कर दो जनरली कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं आता है बट वहां पर भी अप्लाई करके छोड़ दो एटलीस्ट आपको पता चलेगा ओपनिंग कहां कहां पर है ठीक है बट आई थिंक लिंगड इन विल बी अ वेरी इंपोर्टेंट वे थ्रू विच यू कैन अप्लाई फॉर बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन रोल्स अभी सेकंड पार्ट है कि क्या ऐसे स्किल सेट है एग्जैक्टली क्या है आप सबको लगेगा सर टेक्निकल नॉलेज तो अपनी फाड़ है एग्जाम में तो मैंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे को बाय हार्ट याद है एप्लीकेशन तो मैं ऐसे बता दूंगा बस मिल ही जाएगा क्या नो द आंसर इज अ बिग बोल्ड एन ओ आपकी टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा एक फंडामेंटल चीज याद रखना बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन जब हायर करती है दे हैव टू कीप इन माइंड नॉट जस्ट योर टेक्निकल एक्सपर्टीज टेक्निकल नॉलेज बट ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव रहोगे टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स आप सीईओ सी एफ ओ फाइनेंसमिटी डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सबसे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सबसे पहली चीज जो लोग दिखते हैं वो है आपकी पर्सनैलिटी आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे प्लीज कैजुअल शर्ट पैंट पहन के मत जाना प्लीज बाल लंबे करके दाढ़ी एकदम कैसी भी करके मत जाना यू आर गोइंग टू वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु बिलीव इन एक्सट्रीम प्रोफेशनलिज्म ियर्ड शुड बी शेवड ये मतलब बच्चों वाली बात है लेकिन बताना जरूरी है बिकॉज आई एव सीन कैंडिडेट जो सैंडल पहन के आ जाते हैं जो चेक शर्ट्स पहन के आ जाते हैं ऐसे वाले शर्ट ये वो ये तो फिर भी ठीक है इससे भी खराब पहन के आते हैं वेन यू आर गोइंग टू बिफोर इंटरव्यू योर इंप्रेशन योर पर्सनैलिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आप फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के जाइए फॉर्मल शूज पहन के जाइए पार्टी वाले ब्लैक शूज मत पहन के जाना पार्टी वाले ब्राउन शूज पहन के मत जाना बेल्ट जो है एकदम डिजाइन डिजाइन वाला पहन के मत जाना घड़ी एकदम झिनटैक चमकीली पहन के मत जाना गो विद अ प्रोफेशनल अटायर आई एम नॉट से महंगे महंगे कपड़े आपको खरीदने पड़ेंगे नॉर्मल नॉर्मल खरीदो इट शुडेंट भी जिंग बैंग कपड़े एकदम मतलब फ्लैशी जो शादी में या पार्टी में पहन के जाते हो वो नहीं रहने चाहिए ड्रेस नाइसली हो सके तो एक टाई लगा लो नॉर्थ साइड में हो तो सूट पहन लो साउथ साइड में सूट उतना नहीं चलता नॉर्थ साइड में चलता है सूट तो आप सूट पहन के या ब्लेजर पहन के भी इंटरव्यू में जा सकते हो इवन एज अ फ्रेशर गुड पर्सनैलिटी परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के थोड़ा ग्रूमिंग करके बाल बाल कटा के शेव वेव करवा के या फिर दाढ़ी अच्छे से ट्रिम करवा के जाना बहुत बेसिक बहुत फंडामेंटल बट प्लीज फॉलो इवन फॉर गर्ल्स प्लीज ड्रेसअप ग्रूम योर सेल्फ वेल एंड गो फॉर योर इंटरव्यू बिकॉज पर्सनैलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेकेंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लर्निंग एबिलिटी आप बात कैसे करते हो आप कम्युनिकेट कैसे करते हो अब ओवरनाइट तो नहीं सीखोगे बट समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड यू नीड टू कन्वे योर सेल्फ वेल बिकॉज एज आई सेड यू विल बी प्रेजेंटिंग टू अट ऑफ पीपल आप अपने करियर में अपने पार्टनर को अपने मैनेजर को अपने सीनियर्स को सी एफ ओ को सीईओ को ऑडिट कमिटी को क्लाइंट के छोटे से लेकर बड़े बड़े एम्प्लॉयज को आप प्रेजेंट करोगे आप रोज बात करोगे तो आप बात कैसे करते हो आप बात करने का ढंग अपने आप को पोजिशन करने का ढंग आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन जोर से बोल रहे हो धीरे बोल रहे हो हाथ वाथ हिला रहे हो कैसे कर रहे हो एवरी स्मॉल डिटेल विल बी नोटिस एवरी स्मॉल डिटेल विल बी व बिफोर योर टेक्निकल स्किल्स आप टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हो तो मैं क्या करूं उस टेक्निकलिटी का बिकॉज बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में तो काम ही है बात करने का कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यहां पर एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए मेरी एक कोर्स है मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल अगर आप लोग में से किसी को थोड़ी सी नर्वसनेस होती है बात करने में आपको पता नहीं कि कैसे हम कम्युनिकेट करें कैसे कॉन्फिडेंस लेकर आए कैसे बात करें कैसे स्टार्ट करें कैसे आगे वाले को इम्प्रेस करें दिस कोर्स विल हेल्प यू अलॉट मोर देन थाउजेंड स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स ऑलरेडी यू कैन ऑल्सो डू इट फोर फिफ्टी नाइन है अभी आई थिंक बाई द एंड ऑफ जुलाई मंथ आई विल रेज इट टू फोर नाइन नाइन बट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कॉस्ट टू आवर्स का अनलिमिटेड एक्सेस वाला कितनी भी बार आप जिंदगी में देख सकते हो उस कोर्स को सर्टिफिकेट भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन कम्प्लीशन एंटायर कोर्स इज इन इंग्लिश पूरे डिटेल्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में देखिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर योर स्किल डेवलपमेंट फॉर योर फ्यूचर यू विल डेफिनेटली लव इट थर्ड पॉइंट है जेनरिक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन देखो अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो या एम हो आपकी टेक्निकल स्किल्स मोर और लेस आगे पीछे करके सेम ही रहेगी अगर मुझे दस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से आते हैं तो किसी को शायद नौ या आठ आते होंगे अगर मुझे सब एस्पेक्ट्स uh, मालूम है कंपनी लॉ के शायद किसी को उन्नीस इक्कीस ऊपर नीचे थोड़ा बेटर थोड़ा वर्ष याद होगा बट मोर और लेस कैसे भी किताब वाले काम है ना आजकल तो ए भी आ गया तो किताब खोलेंगे देखेंगे एंड वी कैन स्टिल अप्लाई इट वॉट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वॉट सेट्स यूर पार्ट आपकी थॉट प्रोसेस

फिर वहां पर बैठकर पैनल डिसाइड करेगा यार दोनों ही टेक्निकली तो अच्छे थे किसमें हम उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देकर किसको हायर करें एक ही पोजीशन रिमेनिंग है किसको हायर करें तब आपकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स और ये जेनरिक क्वेश्चंस का कैसे आपने आंसर दिया है क्या इंप्रेशन आपने छोड़ा है ये प्रायोरिटी बन जाती है इसके लिए भी आप लोगों के लिए मैंने एक कोर्स क्यूरेट किया है अपोलॉजीज में आप आई नो आई एम प्रमोटिंग माई कोर्सेज बट बिकॉज दे विल डेफिनेटली हेल्प यू

प्रिपेयर करके जाइए और वहां पर वो आंसर दे दीजिए अगेन बोर्ड बाय हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स यू विल डेफिनेटली फाइंड इट यूजफुल सेम कॉस्ट फोर फिफ्टी नाइन रुपीज इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल ट्रस्ट मी दोनों कोर्सेज नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं एक खरीद लो देखो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो यू कैन गो फॉर दी अदर वन सिंपल नाइ डोट नीड टू बाई बोथ ऑफ दियर नौ सौ रुपये लग रहा है बट द वैल्यू दैट यू विल गेट आउट ऑफ इट इज गोइंग टू बी जॉब yeah, लगी उसके बाद फोर फिफ्टी नाइन क्या है अभी भी जॉब के बिना भी फोर फिफ्टी नाइन इज ऑलमोस्ट नथिंग एक ऊबर राइड लोगे तो आपके चार सौ रुपए लग जाएंगे तो दिस इज अफ लॉन्ग स्किलेडरेशन नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा लिंक उसका चौथी चीज जो देखते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसिस आर्टिकलशिप कैसी की है आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने क्या किया है स्कूल में अकेडमिक परफॉर्मेंस क्या था तो आप जब रेज्यूम में बना रहे हो

हम टैक्स के लिए हायर कर रहे हैं और आप लिख रहे हो इंटरनल ऑडिट हम स्टैचुरी ऑडिट के लिए हायर कर रहे हैं आप लिख रहे हो टैक्सेशन फिर तो वो रिज्यूमे देखते हैं रिजेक्ट हो जाएगा ना नो पॉइंट ओनली फिफ्थ है टेक्निकल स्किल्स ये आ गए आपका सब्जेक्ट मैटर तो आप जिस रोल के लिए जा रहे हो टैक्सेशन के लिए जा रहे हो तो टैक्सेशन के लिए डायरेक्ट टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ जीएसटी है तो जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ स्टैचुरी ऑडिट है तो अकाउंट्स ऑडिटिंग लॉ ये सब के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ इंटरनल ऑडिट है तो प्रोसेस अकाउंटिंग ऑडिटिंग पे प्रिपेयर होके जाओ ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाए उनके टेक्निकल आंसर्स आपके पास रहने चाहिए सिक्स्थ इज अदर स्किल्स आपका जनरल एटीट्यूड क्या है जनरल एप्टीट्यूड क्या है हाउ आर यू कंडक्टिंग योर हाउ इफ दे आस्क आर यू कंफर्टेबल वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स आर यू कंफर्टेबल ट्रेवलिंग वट आर योर लाइक्स वॉट आर योर डिसलाइक्स वॉट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी आर यू

बैलेंसिंग क्योंकि मेरी टेक्निकल नॉलेज ओके ओके थी बट जैसे ही उन्होंने पूछा पार्टनर ने पूछा कि भाई आपने जो टेक्निकल आंसर दिए वो तो ठीक ठाक है थोड़े आते हैं थोड़े क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा था स्टैचुरी ऑडिट से इंटरनल ऑडिट पर तो उन्होंने पूछा ये तो ठीक ठाक है कि स्टैचुरी ऑडिट से आप आए हो स्टैचुरी ऑडिट वाले आंसर दे रहे हो हमको आपको इंटरनल ऑडिट में लेना है ठीक है आपकी हॉबी है फोटोग्राफी टेल मी मोर अबाउट फोटोग्राफी आप क्या कर रहे हो एक ट्रेन जा रही है फास्ट उसको आप कैसे कैप्चर करोगे टू शो इट स्टिल कि एक जगह रुकी हुई है बट इट इज एक्चुअली मूविंग फास्ट वॉट विल बी योर कैमरा सेटिंग्स और मैं उस टाइम फोटोग्राफी नया नया कर रहा था तो मुझे सब पता था फट 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 फट, फट, फट मैंने बता दिया कि ये सेटिंग रहेगी सर ये सो रहेगा सर ये वाला रहेगा सर ये रहेगा ओके ओके फाइन थैंक यू बोल के भिजा दिए उसके बाद हायर हो गया एक दो थोड़े थोड़े महीने ज्वाइन करने के बाद मैं पार्टनर के साथ कहीं जा रहा था तो उन्होंने बताया कि आरियन टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका टेक्निकल राउंड तो ओके ओके था बट uh, आपने जब फोटोग्राफी के बारे में इतने क्लैरिटी से बोला देन आई थॉट यस यू हैव दैट स्पार्क एंड यू हैव द लर्निंग एबिलिटी क्योंकि मैं भी उस टाइम फोटोग्राफी ही सीख रहा था एंड मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ट्रेन का फोटो लूँ जो चल रही है लेकिन रुकना है बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सेटिंग्स एंड यू टोल्ड इट वेरी वेल एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड आई सॉ दैट लर्निंग एबिलिटी आई सॉ दैट स्पार्क एंड हेंस आई हायर यू एंड दैट चेंज माई एंटायर लाइफ टो यू नेवर नो वॉट क्लिक्स में जो लिखो नाप तोल के लिखो समझ के लिखो बैकेड एग्जाम्पल भी रेडी कि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है उस रिलेशन में तो ये हो गया बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन के स्किल सेट्स ट्रस्ट मी इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन दिस एंड कीप गिविंग इंटरव्यूज इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन दिस यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस वेन कंपेयर टू योर कंपीट ट्राई आउट द कोर्सेज एटलीस्ट ट्राई आउट द जॉब इंटरव्यू कोर्स क्योंकि वो आपको इमीडिएट हेल्प करेगी उसके बाद आप वो पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन वाली भी ले सकते हो इन द नियर फ्यूचर सो इट विल कीप हेल्पिंग यू बट जॉब वाली इज समथिंग इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड रोल देन इट विल बी हेल्पफुल चाहे आप बिगफोर के हो या और कहीं पर भी हो इट विल हेल्प इट इज अ जेनरिक हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू विद ऑल द क्वेश्चन जेनरिक आंसर्स दैट यू हैव टू गिव पूरे के पूरे उस, उस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिलेंगे डिटेल्स सभी कोर्सेस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कुछ डाउट है और कुछ क्वेरीज है तो मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आई विल ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑल द वेरी बेस्ट